नंबर 43 और 44 पार्ट वन में समझाया था और अब ये इसी लेसन का पार्ट टू है। सेइंग विदाउट स्पीकिंग में हमने पढ़ा था बिना बोले कुछ कहना। जो लोग बोल नहीं पाते वे अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उस बारे में लेसन है। तो आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 45 से। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मेनी थिंग्स। एक चाइल्ड है जो सुन नहीं सकता है लेकिन वह बहुत सारी चीजें कर सकता है। आई हैव अ सिस्टर, माय सिस्टर कैन नॉट हियर। ये एक पोयम के माध्यम से बता रखा है कि जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते वे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आई हैव अ सिस्टर, माय सिस्टर इज डीप। मेरी एक सिस्टर है जो कि डीप है। डीप मीन्स जो सुन नहीं सकते उन्हें डीप कहा जाता है। शी इज स्पेशल, वह बहुत स्पेशल है। देयर आर नॉट मेनी सिस्टर्स लाइक माइन। मेरे पास जैसी सिस्टर है या बहन है वैसी बहन और किसी के सभी के पास नहीं रहती है। माय सिस्टर कैन प्ले द पियानो। मेरी जो बहन है वह पियानो प्ले करती है, पियानो बजा सकती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रंबलिंग कॉर्ड्स। रंबलिंग मींस होता है गड़गड़ाहट की आवाज या ज्यादा जो तेज आवाज होती है वो, और कॉर्ड्स मींस होता है ध्वनि मींस आवाज। तो जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है वह मेरी जो बहन है वह फील कर सकती है। डीप गड़गड़ाहट की आवाज मतलब बहुत ज्यादा अगर कुछ आवाजें हो रही है तो वह फील कर सकती है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग। पर वह गा नहीं सकती, गाने में सक्षम नहीं है। शी कैन नॉट हियर द ट्यून। वह ट्यून को सुन भी नहीं सकती है। पियानो बजाती है लेकिन वह ट्यून को सुन नहीं पाती है। शी लाइक्स टू लीप, टू टंबल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। वह पसंद करती है, क्या पसंद करती है? छलांग लगाना, जंप करना, लुढ़कना, रोल होना। फिर जैसे बंदर चढ़ते हैं उस टाइप से वह इजीली कहीं पर भी चढ़ जाती है। नाउ माय सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माय स्कूल। अब मेरी बहन ने मेरी स्कूल की ज्वाइन कर ली और मेरी स्कूल जाना शुरू किया है। ऑल्दोह आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लीप रीड एट होम। हालांकि मेरी जो माँ है वे घर पर मेरी सिस्टर की हेल्प करती है। किसमें? डीप रीडिंग में। डीप रीडिंग मीन्स जो लोग सुन नहीं पाते हैं वे लोग, हम अभी कुछ बोल रहे हैं तो वे सुन तो पाएंगे नहीं, बट जो हमारी लिपसिंग होती है, होंठ हिलते हैं, उससे वे अंदाजा लगा लेते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो डीप रीडिंग में मेरी माँ मेरी बहन की हेल्प करती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। जो स्कूल में टीचर और बच्चे हैं वे सारे वर्ड अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मेरी बहन क्या कह रही है सब कुछ समझ नहीं पाते हैं। शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थंब। मेरी जो बहन है वह बताती है, जैसे स्कूल में कोई समझ नहीं पाता है तो वह बताती है कि सिस्टर को बताना है तो वो मुझे बता देगी, या फिर वाटर और थंब पानी पीना है, पानी को बताना है तो अपने थंब से बता देगी। इस टाइप से वह एक्सप्रेस करती है। आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे। मैंने मेरे जो सन ग्लासेस होते हैं जिसे धूप का चश्मा कहते हैं वह पहना था यस्टरडे मींस कल, बीता हुआ कल। द फ्रेम्स वेर वेरी लार्ज। उसकी जो फ्रेम थी वह बहुत बड़ी थी। द लेंसेस आर वेरी ब्लैक। और उसके जो कांच थे वे बहुत ज्यादा काले थे। My sister made me take them off when I spoke. जब मैं बोल रहा था तब मेरी बहन ने मुझे उसे उतारने को कहा। किसे? सनग्लासेस को उतारने को कहा। क्यों कहा होगा सनग्लासेस को उतारने को? क्योंकि जब बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं सामने वाला ये सुन नहीं पाता है तो वह हमारे फेस एक्सप्रेशन से या हमारे आईज से समझ लेता है बात को, इसलिए उसने
उतारने को कहा। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 46। अवर आईज टेल अ लॉट स्मॉल चिल्ड्रन, टेल अ लॉट थ्रो देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। हमारी जो आंखें होती है वे छोटे बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती है। कब? चेहरे और हाथों के माध्यम से वे लोग सीख जाते हैं। छोटे बच्चे भी जब बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, बोलना शुरू करते हैं उसके पहले दिन, 6 या 8 महीने के जो बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, उन्हें हमारी आंखें बहुत कुछ सिखा देती हैं। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, वे लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं हमारी आंखों से, हमारे फेस से और हमारे हाथों के एक्सप्रेशन से। द फेस इज अ मिरर, जो हमारा चेहरा होता है वह आईना होता है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। आपको अपने आसपास के एरिया के जो 6 या 8 month के बच्चे हैं उन बच्चों को ऑब्जर्व करना है, मीन्स उन बच्चों को देखना है और उन बच्चों को देखना है कि वे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को वे कैसे समझाते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा जैसे 6 या 8 month 9 month के बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, तो वे बच्चे यदि उन्हें भूख लगी है तो रोना स्टार्ट कर देंगे, यदि वे किसी चीज से खुश हैं तो हंसना स्टार्ट कर देंगे। तो जब वो बोल ही नहीं पाते तो बोल कर तो नहीं कहेंगे कि भूख लगी है या प्यास लगी है। जैसे कि बोतल रखी हुई है या पानी रखा हुआ है, हम पानी पी रहे हैं, तो वे भी इस टाइप के एक्सप्रेशन करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि उन्हें पानी पीना है। तो 6 और 8 month के बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास से। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर। आप सोच रहे होंगे कि ये चेहरे किस प्रकार के हैं। देखिए ये जो फेस है, ये फेस, इन पर न तो आईज बनी हुई है, न नोज बना हुआ है, न लिप्स बने हुए हैं, ओनली फेस बना हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फेस किस प्रकार के हैं। दे हैव नो आईज, नो नोज, नो माउथ। यहाँ पर न तो आंखें हैं, न नाक है और न ही मुंह है। यू हैव टू मेक दिस, ये आप लोगों को बनाना है। ये जो फेसेस बने हुए हैं इनमें आईज, नोज और माउथ आपको बनाना है। बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलोंग साइड। पर ये कब बनाना है आपको? पढ़ने के बाद। कौन सा? जो इस पिक्चर के पास साथ में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ने के बाद आपको इनकी आईज, नोज और माउथ बनाना है। तो आइए पढ़ते हैं। दिस इज आफ्ताब, यह आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, उसका जो सबसे पसंदीदा खिलौना था वह नीचे गिर गया और ब्रोकन टूट गया। He is sad, वह बहुत दुखी है। How will his face look? उसका फेस कैसा दिख रहा होगा? अब आप सोचिए कि यदि कोई दुखी है तो उसका फेस कैसा दिखता है, उस टाइप से आपको इसकी आई, नोज और माउथ ड्रॉ करना है। His face looks sad, उसका फेस दुखी दिख रहा होगा। यहाँ पर पार्ट 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट आगे का जो चैप्टर